रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अगर आप तिमाही आंकड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था को का मापदंड लेते हैं तो पहली बार जीडीपी वृद्धि दर घट नहीं रहा है, पहली बार जीडीपी खुद घट रहा दो तिमाही यानी कि इस वित्तीय साल के 6 महीने में जीडीपी दर वृद्धि दर घटा नहीं है, जीडीपी खुद घटा है, सकल घरेलू उत्पाद घटा है। वृद्धि दर घटना एक बात है पर जीडीपी खुद घटना एक अलग बात है। तो पहली बार रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये रिजर्व बैंक के शब्द हैं, एक औपचारिक वक्तव्य है, एक उनका एक अध्ययन किया गया है और उसके मुताबिक कहा गया है कि पहली बार भारत में तिमाही आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है, जीडीपी घट रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। इसके साथ साथ इस गंभीर समाचार को छुपाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एक और धूम धमाका आत्मनिर्भर 3.0 आज वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इसका क्या असर होगा वक्त ही बता पाएगा, बहुत से आंकड़े दिए गए हैं पर असली बात जो ये है कि 2020-21 ये पूरा वित्तीय साल एक गुजरा साल हो गया है। ये इस साल जीडीपी वृद्धि दर घटेगा नहीं, जीडीपी खुद घटेगा।